लक्ष्मी थोड़ी सी कठिनता भी करती है, क्योंकि विष्णु एक्चुअली लक्ष्मी की इतनी कठिनता नहीं है, कठिनता विष्णु की है। विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, जैसे शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं ऐसे विष्णु सबसे ज्यादा देर में प्रसन्न होते हैं। साधारण भाषा में सबसे टेंट्रम विष्णु के साथ है और सबसे ज्यादा परहेज और विधान और ध्यान और वस्तु में सबसे ज्यादा उन्हीं को चाहिए, उनके भोग में 56 है। शिव जी को देख लौटा चल नमस्ते अवश्य तो बोलो क्या मांगते हो, अरे जय बोले काम खत्म। वहां तो 56 तो व्यंजन है ठाकुर जी को जो लगते हैं, तो वो अलग तरह का एक एनर्जी का एक ग्रास है। तो उसको अगर हम समझ लें तो विष्णु की प्रसन्नता कम हो पाती है, इसलिए जब लक्ष्मी प्रकट होती है तो भाग भी जाती है। हम शेयर खरीद लेंगे, हम सट्टा लगा देंगे, हम गलत प्रॉपर्टी में फंस जाएंगे, हम किसी गलत मित्र को रिश्तेदार को धन दे देंगे। तो चूंकि विष्णु साधे हुए नहीं थे, विष्णु सधेंगे तो स्थिर लक्ष्मी का उदय होता है, जो नारायण हृदय और लक्ष्मी हृदय वाला हम कंसेप्ट आपको फिर नहीं जाएगी। अच्छा, क्योंकि इतना सारा कुछ है ना गुरु जी, लक्ष्मी कह रहे हैं श्री सूक्त है, लक्ष्मी सूक्त है, लक्ष्मी अष्टकम है, श्री सूक्त का खा गा का काला पन्ना जो पहले पढ़ते थे ना हम छोटा सा वो तो वो है। श्री सूक्त से आप शुरू करते हो, एक आधार बनता है, पहले फाउंडेशन बनाओगे ना कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, एक एक बेस बनाओगे, एक ईंट लगा के थोड़ा चबूतरा बनाओगे, फिर उस पर बाकी प्रासाद का निर्माण होगा। तो श्री सूक्त से प्रारंभ होता है, बाकी फिर और चीजें हैं, बहुत सारी चीजें, फिर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि मैं कंफ्यूजन रहता है कि हम हर कोई चाहता है गुरु जी हम श्रेष्ठ करें, हम जितना अगर हम पढ़े तो उसमें श्रेष्ठ पढ़े जब हम शुरू करें। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ कि 30 साल पहले जो कोट पैंट पहनते थे अभी भी शादी में वो वही कोट पैंट पहन के आते हैं, और मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जो दिन में 3 कपड़े बदलते हैं और पहने हुए को दोबारा नहीं पहनते। ओके, लेकिन आपने मेरी वीडियो सुनी थी, किसी ने पूछा था आपसे क्वेश्चन ये वाला न्यास वाला ना क्या क्या करना चाहिए, तो उसने आपने बोला था क्योंकि जनरली कहते हैं कि स्त्रियों को न्यास नहीं करने चाहिए, पर मैं कालिदास न्यास तो करती हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो मैं विष्णु भगवान का और लक्ष्मी माँ का दोनों का न्यास करती हूँ। स्त्रियों का न्यास बहुत तेजी से फलित होता है। स्त्रियों का एलिमेंट कॉपर का है, पुरुषों का एलिमेंट लकड़ी का है। मतलब सिंपल बात ऐसे समझाने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए बता रहा हूँ कि कनेक्टर जो है कैसे हम सबसे ज्यादा सुचालक स्त्रियां होती है मंत्रों के मामले में, सबसे सुचालक। अगर औरतें अगर स्त्री तंत्र में आ जाए तो कमाल कर दे, लेकिन उन्होंने गुरुओं ने आने नहीं दिया किसी को। हाँ, ये बात आप सही कह रहे हैं। ये जो हमारे एक पुरोहित वर्ग है जो भी मतलब उसमें बड़ी वाले की मेरे से नाराज होंगे इस बात से, वो क्योंकि उन्हें लगता है कि सब उनके पास एक और बड़ी कमजोरी है। मैं नहीं मानता उच्चारण नहीं करना चाहेंगे, स्त्रियों को उनके लिए वर्जित है। वर्जित है तो ये दिखाओ ना कि क्यों वर्जित है, उसका कारण भी होना, जैसे शिव पुराण में लिखा हुआ है स्त्रियों को उच्चारण नहीं करना चाहिए। सुना किसने सबसे पहले? वही तो नहीं पता गुरु, पार्वती ने सबसे पहले ओम को सुना। विश्वामित्र ने जो गायत्री का आधान किया था, तो जो मेनका के साथ जब वो थे, जब तो बड़ी बड़ी अलग कहानियां हैं ये, तब तो गायत्री मंत्र का जन्म हुआ। तो उस मतलब अब मैं क्या बोलूँ, बस थोड़ा सा अजीब से अर्थ हो जाते हैं, लोग अलग तरह से देने लगते हैं उन बातों को। सारी बात मैं कहूँ तो स्त्री के बिना तो जन्म ही नहीं हुआ उस मंत्र का। क्या कराना इसलिए नहीं चाहते कि फिर आपको पूछेंगी नहीं, फिर आपको पूछेंगी नहीं, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तरुण जी को 2 करोड़ रुपए की तो श्वेता जाएगी अंदर और बोलेगी कल इंतजाम हो जाएगा। अब उस दिन तो खुश होंगे या अच्छा लगेगा इनको, लेकिन थोड़े दिन बाद कुछ ऐसे भी पति हैं उन्हें लगने लगेगा यार मैं तो बेकार ही गया, मेरा जीवन तो खराब ही रहा, मैंने दुनिया भर के पापड़ बेले तो मैं 2 करोड़ पैदा नहीं कर पाया, इसने जाकर के 4 माला पड़ी और हमारा मरा हुआ पैसा जागृत हो गया। तो वो जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वो लंबे ये हुआ बहुत लंबे समय तक। जितने भी ऋषि जिन्होंने वेदों का आधान किया है, वेद दृष्टा जितने ऋषि हैं सारे गृहस्थ हैं, सारे जितने हमारे भगवान शिव हैं, भगवान विष्णु हैं, सब गृहस्थ हैं। सभी गृहस्थ हैं। जो शिव सूत्र है, जो रुद्रायमल, जितना भी तंत्र का पूरा प्रकल्प रखा हुआ है सारा शिव पार्वती का संवाद है, जो पूरी विद्या है असली विद्या। आपको अगर कुछ ऐसे भी साधक है कि फिर वो नहीं अवलंबित होना चाहते किसी स्त्री के लिए, क्योंकि स्त्री पर आश्रित होना भी एक अवलंबन है। आप किसी पर, स्वामी वो है जो स्वयं पर निर्भर हो, जो अपना मालिक स्वयं हो, और जब किसी की तरफ आप झुकते हैं या किसी पर निर्भर होते हैं तो स्वामी नहीं रह जाते, तो एक तो अहंकार
यहाँ चोट खाता है। दूसरी बात, ऐसा लगता है कि हम किसी चीज पर, अब जैसे इतने लोग हैं प्रेम प्रेम की बात करते हैं जो भी समाज में होता है, तो वो किसी से चाह रहे हो ना आप जी। वो तो नहीं देता आपको, फिर क्या करोगे आप? तो ऐसे में फिर अर्धनारीश्वर वाला जो स्वरूप है, ऐसी स्थितियां आई कि पार्वती ने कहा कि मैं उपलब्ध नहीं हूं, मैं नहीं इन प्रक्रियाओं में आपके साथ संलिप्त हूं, तो आधा शरीर स्त्री का कर लिया। बोले तुम छुट्टी रहो, तुम आराम करो, तुम अपने जामर जी मायके घूम के आओ, लो मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। तो एक बात थी, जो एक कोशिश जो अमीबा और पैरामीशियम है, वो स्त्री होता है, वो पुरुष होता है। तो फिर वो कुछ साधक उस स्थिति में चले जाते हैं, वो फिर अपने ही शरीर के बहुत मतलब आपको जान के अचंबा होगा, ऐसे भी साधक हुए जो गर्भस्थ हो गए, पुरुष होते हुए उन्होंने गर्भ धारण कर लिया। वो अजीब एक बड़ी है, उनका बहुत हाई लेवल की एक घटना है। और ऐसी स्त्री भी हुई है जिन्होंने पुरुषों से बड़े पराक्रम किए। अब रानी लक्ष्मीबाई आपको तंत्र की ही देवी है, रानी लक्ष्मीबाई काली का ही अवतार है, उनको आप छोटा मोटा मत मानिए। स्त्री की बस की नहीं है वो काम करना जो पुरुष ना कर सके। 60 किलो की तलवार है जो रानी लक्ष्मी भांज रही है, 60 किलो वजन नहीं होता औरत का, मतलब उसका वेट नहीं होता इतना जितनी बड़ी वो तलवार हाथ में लेके लड़ने चली है। आपने एक वीडियो में कहते हैं कि शिव जी त्रिशूल धारण करते हैं और विष्णु भगवान गदा और चक्र धारण करते हैं जी। और देवी हैं जो 18 आयुध लेके चलती हैं। हाँ, समय उनके पास। शिव जी से त्रिशूल ले लिया, हाँ, विष्णु भगवान से गदा ले ली, सब सब है, सब त्रिशूल भी ले लिया, गदा भी ले ली, कमंडल भी ले लिया, सबसे सब कुछ ले लिया। और अकेले करने की क्षमता है। थोड़ा संशोधित कर देता हूँ, इन्होंने नहीं लिया, इनसे इन्होंने लिया है। हाँ जी, हाँ, अष्टायुध अष्टादश जो बाहु के है, अष्टादश देवी से इन्होंने वेपन सारे ओपन बोरो किए हैं। अच्छा, शिव जी वगैरह सबने सबने कि उन्होंने उनसे लिए हैं। तो हमारे तो ये भी बहुत बड़ी बात है गुरु जी की, देवी सब कुछ धारण कर सकती है और एक किसी पुरुष में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो सब कुछ धारण चला ही नहीं सकता। आधे ज्यादा आयु तो चला ही नहीं सकता पुरुष, और देवी सब आयु चला सकती है, सबको धारण भी करती है। जो खड़क खेटक खड़वांग है वो सारे के सारे स्त्री चला सकते हैं, पुरुष चलेगा नहीं। पुरुष चक्र चला लेगा, पहिया घुमा लेगा रथ का उठा के, लाठी भांज लेगा, तलवार चला लेगा, लेकिन कुछ ऐसे चीजें हैं जो सिर्फ देवी चला। आर्याम अभयाम भय जय रे।